तो ये एलिमिनेशन चेंबर 2022 होने से पहले कुछ घंटों में क्या कुछ ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे और दूसरी तरफ गोल्डबर्ग अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए, सिर्फ थोड़ा ही से टाइम बाकी रह गया, फिर एलिमिनेशन चेंबर 2022 होने वाला है। एंड गेस व्हाट, आज गोल्डबर्ग ने अपनी जो रिटायरमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, एक तरह की वो ऑफिशियल वे में आप अनाउंस ही कह सकते हो, कर दी है। और उन्होंने ये बात हिंट कर दी कि रोमन जो उनका मैच उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर का आखिरी मैच होने वाला है। क्या कुछ बातें हुई, क्या ये रियलिटी है, गोल्डबर्ग सही में रिटायर हो रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी। साथ ही सुपरस्टार्स एंजॉय कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद, और रेमे स्टूडियो गोल्डबर्ग और जो मेजर भैया डांस और नाच गाना करते हुए नजर आ रहे हैं। लीटा ने भी टीज कर दिया अपने फ्यूचर प्लान्स, क्या वो एलिमिनेशन चेंबर के बाद भी कंपीट करेंगी या फिर नहीं, क्या वहां पर वो चैंपियन बन सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में। हमारी करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन द क्वीन शार्लोट फ्लेयर के बारे में जुड़ी है, और शार्लोट फ्लेयर को लेकर रिसेंट टाइम में कुछ अपडेट आती है सामने, और बताया जा रहा है कि भैया 144 डेज हो चुके हैं और किसी भी पेपर व्यू के अंदर शार्लोट फ्लेयर ने अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है, और ये जो चीज है वो कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि शार्लोट फ्लेयर सऊदी अरेबिया के अंदर भी एक सिर्फ टैग टीम एक्शन के अंदर होंगी और वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली नहीं है। इवन बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम उन्होंने अपनी रॉ वुमेन टाइटल डिफेंड की थी और उनके सामने एलेक्सा ब्लिस थी, उसके बाद टाइटल स्वैप वगैरह हुई और शार्लोट फ्लेयर हमें मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में आती हुई नजर आई और बन गई स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर ही कंपीट किया टोनी स्ट्रोम के खिलाफ उस चैंपियनशिप के लिए। लेकिन तब से लेकर अब तक अगर पेपर व्यूज के बारे में बात करें तो पेपर व्यूज के अंदर शार्लोट फ्लेयर ने चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है, और देखते हैं चीज कब तक कंटिन्यू रहती है। चलो फाइनली रेसलमेनिया 38 में तो जो स्ट्रीक है ब्रोक होगी और शार्लोट फ्लेयर फाइनली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की मौज मस्ती के बारे में। तो फाइनली सभी जो सुपरस्टार्स है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया के शो के लिए, और वहां पर जाके भैया मौज मस्ती कर रहे हैं। रीसेंट टाइम में कुछ फोटोज और वीडियो क्लिप्स आती हैं सामने। पहले फोटोज आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिव मॉर्गन, बियांका बेलेयर और हमारी सोनिया डेविल आराम से बैठ के मौज मस्ती कर रही है। हाँ, वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन टेलीविजन के ऊपर चाहे दोनों तीनों जितना मर्जी लड़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो फ्रेंड्स ही रहती हैं। साथ ही में और भी कुछ फोटोज आई सामने जहां पर रेमे स्टूडियो, डोमिनिक, जेमी नोबल और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे ऑफिशियल्स और जो सुपरस्टार्स हैं आराम से एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल सऊदी अरेबिया के अंदर एलिमिनेशन चेंबर से पहले। ऑफकोर्स अंदर से कैसे उलफुलाहट टाइप होती है, भैया घूमते हैं जाके फिर से सऊदी अरेबिया आखिर आए हैं। साथ ही में कुछ वीडियो क्लिप्स आई हैं सामने, वो सभी की सभी वीडियो क्लिप्स आप लोग देख पा रहोगे। एक वीडियो क्लिप के अंदर मेज और जो हमारे गोल्डबर्ग भैया डंडा लेके हाथ में डांस वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ तो मेज तो भैया एकदम आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं और गोल्डबर्ग भी कह रहे हैं जिंदगी का लुफ्त उठाया जाए, क्यों ना थोड़ा डांस और नाच गाना किया जाए। अब ये वीडियो क्लिप रहती है गोल्डबर्ग और मेज के बारे में, लेकिन रेमे स्टूडियो डोमिनिक की जो वीडियो क्लिप है वो और भी ज्यादा फनी है। अब रेमे स्टूडियो का जो डांस है वो आप लोग देख पा रहे, आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, बीच में रेमे स्टीरियो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मास्क के अंदर वो हमें डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो इससे पहले धोती के अंदर, धोती कह सकते हैं ना, वो जो लड़का खड़ा हुआ है वो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो है। और भाई रेमे स्टीरियो मतलब क्या नाच गाना करते, देखिए मतलब सही बता रहा हूं मजा आ गया। अब रेमे स्टीरियो के नाच गाने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से बेस्ट डांसर है भाई अभी तक सऊदी अरेबिया में। साथ ही में और भी कुछ वीडियो क्लिप्स आई है सामने, या नटालिया है हमारे जो टाइटल जोनील है भैया, वो बीच में डांस गाना कह रहा हूं मैं, नाच गाना कर रहे हैं। और कुछ इस वे में फिर आज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स हैं एलिमिनेशन चेंबर से कुछ टाइम पहले आराम से एंजॉय कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सऊदी अरेबिया का शो खत्म होता है उन्हें इंस्टेंट वे में निकलना होता है वापस, क्योंकि उसके बाद उन्हें आने वाले शोज भी करने होते हैं। इसलिए भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार सोच रहे हैं कि उन्हें पहले ही मौज मस्ती कर ली जाए। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार लीटा के बारे में जुड़ी है। हमारी हॉल ऑफ फेमर लीटा कंपीट करेंगी द मैन बेकी लिंच के खिलाफ, और उनका आमना सामना होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, और ये मैच होगा रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए। रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार टीज करते कि मे बी जो लीटा है वो एक बार फिर से चैंपियन बन सकते हैं, ये बात वो टीज करते अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो एक ग्राफिक पोस्ट करती है जहां पर लीटा के पास में वो रॉ वुमेन टाइटल है, और वो कहते हैं क्या लीटा फाइनली ये चीज एक बार फिर से कर पाएंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। लेकिन बस आज से कुछ घंटे पहले स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के ऊपर एक इंटरव्यू होता है लीटा का, और लीटा एक तरह का स्पॉइल कर देती है या फिर हमें स्पॉइलर देती है क्या एलिमिनेशन चेंबर के अंदर होगा। वो बताते भी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ और सिर्फ उनसे एक मैच के बारे में पूछा है, और लीटा के क्या प्लान्स होंगे एलिमिनेशन चेंबर के बाद इसका उन्हें खुद भी आईडिया नहीं है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिल वो कंपीट करेंगे, क्या रेसलमेनिया के अंदर उनका मैच होने वाला है, ये बातें कंफर्म नहीं, क्योंकि लीटा और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मैच की डील हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच की बात हुई है, उसके बाद वो कंपीट करेंगे या फिर नहीं डिपेंड करता आउटकम के ऊपर जो कि एलिमिनेशन चेंबर का होगा। अगर वो बेकी लिंच को हरा पाती है न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन जाएंगी डेफिनेटली, फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई पे सारी चीजें डिपेंड करती
रहती हैं कि क्या वो लीटा को इन फ्यूचर के लिए बुक करेगी या फिर नहीं, और क्या रेसलमेनिया 38 के अंदर लीटा का मैच होने वाला है या फिर नहीं। तो लग ऐसा है कि WWE ने लीटा को एक फुल टाइम रिटर्न के लिए नहीं बल्कि जस्ट फॉर कह सकते वन अपेयरेंस या फिर वन मैच के लिए या फिर जस्ट सऊदी अरेबिया वाली अपेयरेंस के लिए बुलाया था। अब देखते क्या होता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। आगे से अगर लीटा फिट एंड फाइन फील करती है उसके बाद जाकर WWE सोचेगी रेसलमेनिया के अंदर उन्हें बुक करने का। काफी अच्छी खासी फ्यूड है उनका, मेरे हिसाब से WWE उन्हें बुक भी कर सकती है। देखते क्या एलिमिनेशन चेंबर के अंदर होता है, क्या काफी अच्छे वे में फिट एंड फाइन वे में लीटा परफॉर्म कर पाती है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो WWE के आइकॉन द बिल गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। और भैया थोड़ा स्कैम टाइप हो गया क्योंकि ऐसी अपडेट आ रही थी सामने के एलिमिनेशन चेंबर के अंदर सरप्राइज ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। लेकिन बस आज से कुछ घंटे पहले गोल्डबर्ग एक ऐसी बात टीज करते हैं जो कि काफी हैरान कर देने वाली थी, और वो खुल्लम खुल्ला एक तरह की ये बात कहते हैं कि वो WWE से रिटायर होने वाले हैं और जो रोमन के खिलाफ मैच है उनका WWE करियर का आखिरी मैच होने वाला है। अब ये वीडियो क्लिप देखिए, मैं भी हैरान हो गया। होता क्या, जो गोल्डबर्ग है सऊदी अरेबिया पहुंचने के तुरंत बाद एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, उसके कुछ स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज आप लोग देख पा रहे। पहले हम बात करते हैं कैप्शन के बारे में। कैप्शन काफी सारी चीजें खुद ही टीज करता है, वो बताते हैं मेरा फाइनल मिशन होने वाला है इस रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। साथ ही वो पॉसिबली वर्ड ऐड करते हैं, ये चीज थोड़ी देखने लायक है क्योंकि वो बताते हैं जैसे ही वो आए तुरंत एक लंबी चौड़ी फ्लाइट के बाद सऊदी अरेबिया के अंदर तुरंत आगे जेदा में आके वो जिम आए और जिम में आके उन्होंने परफॉर्म करना फिर से स्टार्ट कर दिया जो कि मे बी उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली है। और वो ये उम्मीद करेंगे उनका ये जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा रोमन के खिलाफ, जब वो रोमन को हराएंगे उस रिंग के बीचों बीच में और वो यूनिवर्सल टाइटल कैप्चर कर लेंगे। लेकिन साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ लड़ने का डिसीजन है रोमन रेंस का वो उसकी दुनिया का सबसे खराब डिसीजन हो। लेकिन आखिर में वो सिर्फ ये कहना चाहेंगे जो भी चीज़ है उसके लिए थैंक यू और गोल्डबर्ग को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और हैशटैग हु इज नेक्स्ट नहीं बल्कि हु इज लास्ट लिखा है यहाँ पर गोल्डबर्ग ने। हैशटैग स्पीयर वर्सेस स्पीयर, हैशटैग जैकहैमर एंड हैशटैग वॉरियर टिल डाई। अब ये जो हैशटैग हु इज लास्ट वाली चीज़ है मेरे हिसाब से थोड़ी क्वेश्चन वाली कि भैया गोल्डबर्ग ने ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन वीडियो क्लिप के अंदर जो बातें गोल्डबर्ग कहते हैं और भी आपको सरप्राइज कर देंगी। गोल्डबर्ग बताते हैं कि भैया जस्ट अभी वो आके लैंड हुए हैं और वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने तुरंत आके जिम को ज्वाइन किया और जिम के अंदर आके भी फिलहाल वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हो भैया अभी फिलहाल वो जेदा के अंदर ही है। अब पहले वाला गोल्डबर्ग जवानी वाला गोल्डबर्ग अलग था, लेकिन अब जो तुम्हारे सामने गोल्डबर्ग है वो एक 55 साल का गोल्डबर्ग है। लेकिन फिर भी गोल्डबर्ग वो पहले इंसान है जिन्होंने 13 घंटे फ्लाइट में रहने के बाद सबसे पहले आके जिम को हिट किया और भैया जिम के अंदर आके तगड़ी वाली वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उनके साथ में जो दूसरा इंसान आया वो दुनिया का बेस्ट कमेंटेटर, बेस्ट अनाउंसर यानी कि हमारे माइकल कोल। और पीछे भैया माइकल कोल एकदम जमकर तगड़े वाले वे में हमें एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद जो गोल्डबर्ग है वो अपने रिटायरमेंट टीज करते हैं, वो कहते हैं इस शनिवार को उन्हें एक नौकरी करने की तरह की जॉब करनी है और शायद ये जो रिंग है यानी कि ये जो मैच है उनका वो WWE रिंग के अंदर एक आखिरी मैच हो सकता है। इसलिए सभी के सभी ट्यून इन करें जब वो रोमन रेंस को स्मैश करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि सभी के सभी देखें कि गोल्डबर्ग फाइनली वो चीज करने वाला जो कि पिछले 20 साल से करना चाह रहा था। और आखिरी में थैंक यू कहना चाहते हैं और उनका कहना ये कि वो टाइटल जरूर कैप्चर करेंगे और रोमन को जरूर स्मैश करेंगे। लेकिन मे बी सैटरडे जो रात है वो गोल्डबर्ग के WWE करियर की उनके इन रिंग करियर की एक आखिरी रात हो सकती है। अब मुझे नहीं पता एक्चुअल में गोल्डबर्ग ये जो रिटायरमेंट इज है वो रियल है या फिर फेक है। अब मैं फेक क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भैया बताया जा रहा था कि गोल्डबर्ग रीसाइन कर सकते हैं गोल्डबर्ग WWE के साथ में एक बार फिर से डील रीसाइन डेफिनेटली कर लेंगे। आज से काफी टाइम पहले गोल्डबर्ग ने क्या कहा था कि भैया WWE के साथ में वो लंबे टाइम तक और काम करना चाह रहे हैं और जो 55 साल वगैरह की एज है इसके बाद भी वो रीसाइन करेंगे और काम करते रहेंगे। लेकिन अचानक से एलिमिनेशन चेंबर से कुछ घंटे पहले ये टीज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है झोल भी हो सकता है या फिर पूरे तरीके से सही भी हो सकती है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से ये जो रिटायरमेंट टीज है रियल है या फिर फेक है, या फिर भैया सही में गोल्डबर्ग कहना ये चाह रहे हो काफी थक हार चुके हैं अपने WWE करियर से और फाइनली वो लेना चाहते हैं रिटायरमेंट। अब एक तरफ रूमर ये आ रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न होंगे और दूसरी तरफ कुछ घंटे पहले पूरा खेल पलट दिया गोल्डबर्ग ने इस वीडियो के साथ में। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। मैं तो ये सोच रहा हूँ रेसलमेनिया 34 वाला सीन ना हो जाए। उस टाइम पर रिपोर्ट यही आ रही थी कि लेसनर साइन नहीं करेंगे WWE के साथ में, वो लीव करें WWE को और रोमन वहां पे चैंपियन बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, रेसलमेनिया 34 में लेसनर ने रीसाइन किया और रोमन रेंस वहां पर हारते हुए नजर आए। क्या होगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अब तो उसी दिन पता लगने वाला है। लेकिन इस रिटायरमेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और रे मिस्ट्रियो के डांस को लेकर क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर जो लोग न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।